नमस्कार आम सहर को स्वागत करुचि हरप्रिया पिपिली लक्ष्मीनारायणपुर पंचायत रे तेजिला असंतोष पीडीएस सामग्री बंटन को नहीं राजरास्तार महिला पिपिली विडीओ को भेटी जणाइले अभिजोग पिपिली लक्ष्मी नारायणपुर पंचायत रो महिला माने बीडीओ रश्मिता नाथ को घेरी निजर असंतोष जाहिर करिछंती। पंचायत रे पीडीएस सामग्री बंटन दायित्व पंचायत थर नै महावीर स्वयंसहायक गोष्ठी को डीलरशिप जगे दिया जीवा पाई निष्पत्ति होइतबा को विरोध करि आसुतले किछि महिला माने। प्रथमे पिपिली ब्लॉक कार्यालय रे ए संपर्क रे दाबी पत्र माध्यम रे एहर समाधान पाई दाबी करथिबा बेले दुई दिन तळे पीडीएस सामग्री ट्रक को अटकाई प्रतिवाद करबा सह दुईटी महिला गोष्ठी को भितरे गंडगोल मध्य देखा दिला। आउ एही विवाद रो समीक्षा करबा पई आज पिपिली वीडियो उक्त पंचायत रे पहुंचितिले। सेठरे वीडियो को घेरी निर्वाचन समय रे आचरण विधि उल्लंघन करी कोर्ट पई पीडीएस बंटन दायित्व मनोमुखी भाबरे महावीर स्वयंसहायक गोष्ठी को दिया जायछि बोली अभिजोग करी पिपिली वीडियो रश्मिता नाथ को घेरी चंती महिला माने। सेपटे घटनास्थल रे स्थानीय सरपंच पहुंची महिला मानको बुझा सुझा करथुवा बेले पुलिस पहुंची वीडियो को उद्धार करथिले। एनै पिपिली वीडियो को तरफ रु पिपिली थाना रे एक अभिजोग करी चंती बोली श्रीमती नाथ कहिछंती। पिपिली रु मनोरंजन महापात्र रिपोर्ट सीएफआई समाचार। मानसिक रोगी चिकित्सा पाई भुवनेश्वर खंडगिर छक बारभुजा मार्केट कम्प्लेक्स खोली नुआ साइको न्यूरो केयर क्लिनिक जेउठी समस्त प्रकार मानसिक दुश्चिंता जनित रोग चिकित्सा करा जाउछि। एस ए इद्रिस ज्ञान कौशल खोला जाइथिबा ए क्लिनिक मानसिक रोगी को उत्तम सेवा जगाउछि। सप्ताहांतरे बंद रहिबो सैंतळारे दोकान बजार बणिक संघ और विकास परिषद पक्षर निष्पत्ति सटडाउन समय अति जरूरी जथा मेडिकल स्टोर और क्षीर दुकान खोला रहिबो। सैंतळा अंचल दिनक दिन बढ़िवे लगी कोरोना संक्रमित संख्या बढ़ुवा संक्रमण को नहीं थाना परिसर में सैंतळा विकास परिषद और वणिज संघ एक बैठक अनुष्ठित हो अवसर में सैंतळा तहसीलदार सुमन किशोर डुंगडुंग थाना अधिकारी बारिणी दास उपस्थित रही स्वसहमति क्रमे आसंता शनिवार और रविवार दुई दिन सैंतळा दुकान बजार बंद रहा निष्पत्ति नहींचंती। सैंतळा सरपंच भीमसेन स्वाई सोमवार साप्ताहिक हाट बंद करने कोरोना महामारी किपरि अंचल लोक मुक्ति मिल से लोक मैंने जत्नवान है। देख आम सैंतळा तथा आखपाख अंचल दिनक दिन कोरोना संक्रमण बढ़वे लगी आम नागरिक मान सुरक्षा को दृष्टि रखिकी आम बणिक संघ आ सैंतळा विकास परिषद गोटे निष्पत्ति ग्रहण कलु ये आम सात दिन कम से कम दुई दिन जदि आम दुकान बजार बंद रखमा कि कोरोना संक्रमण केमी टी अटके पार्बा से दृष्टि रखिकी आम समस्त प्रशासन सांगे आलोचना करी आसंता शनिवार और रविवार दुई दिन आम समस्त दुकान बजार बंद रखबार लगी आम समस्त व्यवसायी दोकानी और जनसाधारण को आम अनुरोध कर। निश्चित भाव यह एक उचित पदक्षेप जेन हिसाब से कोविडटा बढ़ी चली लोकंर सुरक्षा लगे आज तहसीलदार आज्ञा आई आई सी आज्ञा निजे मुई निजे सरपंच एवं समस्त भद्र व्यक्ति जनसाधारण आमर वाणिज्य व्यवसायी संगठन आमर विकास परिषद संगठन मिसिक आज आलोचना करी जनसाधारण के आम सुरक्षा देमा कोविड्रु ताल शनिवार रविवार आम निश्चित भाव सटडाउन रहा जेनटा कि आम एमरजेन्सी डिपार्टमेंट खाली खुला रहा आउ जेन आम विकली मार्केट बसुचे सोमवार दिन सैंतळाटा ताकि आम अनिर्दिष्ट काल पर्यंत आम बंद करूँ जेनटा कि आगामी दिन में आ गोटे जितेबाला आम निर्देश देमु से समय से खोलवा कि बर्तमान परिस्थिति बंद रहा जैसे आपण मान समस्त सहयोग दरकार। धन्यवाद। एही बैठक में सुबोध मिश्र भीमसेन स्वाई चांद बेहरा कलु अग्रवाल तरुण बेहरा देवेंद्र जोशी उमाकांत राणा कपिल होई सामाजिक नारायण साहू प्रमुख उपस्थित थे। सैंतळारु नारायण साहू को रिपोर्ट सीएफआई समाचार। मानसिक रोगी चिकित्सा पाई भुवनेश्वर खंडगिर छक बारभुजा मार्केट कम्प्लेक्स खोली नुआ साइको न्यूरो केयर क्लिनिक जेउठी समस्त प्रकार मानसिक दुश्चिंता जनित रोग चिकित्सा करा जाउछि। एस ए इद्रिस ज्ञान कौशल खोला जाइथिबा ए क्लिनिक मानसिक रोगी को उत्तम सेवा जगाउछि। काया विस्तार मेलाइछि कोरोना महामारी पिपिली प्रशासन पक्षरु तत्परता प्रकाश डाकबाजी जत्र साहाज्य गाँ गाँ बुली लोकंकु कले सचेतन।
ମହାମାରୀ କରୋନା ବେଳକୁ ବେଳ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଇଛି। କରୋନା କିପରି ନ ବ୍ୟାପିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରିବା ସହ ଅମାନିଆ ହେଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ପିପିଲି ପ୍ରଶାସନ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିପିଲି ପୌରାଞ୍ଚଳର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରିଣୀ ପୂଜା ରାଉତ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରା ଓ ପିପିଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୌରାଙ୍ଗଚରଣ ପୃଷ୍ଟି ମିଳିତ ଭାବେ ପିପିଲି ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଦୋକାନରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନଥିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମାସ୍କ ନଥିବାରୁ ପିପିଲି ବଜାରରେ ଥିବା ଏଲ୍ଜି ହୋମ୍ ଡେକର ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ କରୋନାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ତ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ମାଇକ୍ରେ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଡେଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଡେଲି ମାସ୍କ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅମାନିଆ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ମାନିଲେନି, ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟମକୁ ଘୋର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ଚଢ଼ାଉ କଲୁ, ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଷ୍ଟୋର୍କୁ ସିଲ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର ଅନୁସାରେ ତାଗିଦ କରି ତାଙ୍କଠୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ରଖିଛୁ। ଫର୍ଦର ଯଦି ସେମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ COVID-19 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପିପିଲିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, CFI ସମାଚାର। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ CFI ସମାଚାରକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।